सो वेलकम बैक, कैसे मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली। सो आज मैं आपको अपने रिवेन्यू शेयर करने वाला हूँ, जितने पैसे कमाए हैं, है ना। हर कोई जानना चाहता है भाई कितने पैसे कमाते हैं। तो आज मैं आपको 2021 में जितना अमाउंट मैंने अर्न किया है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, है ना, स्पॉन्सरशिप वगैरह, इसमें कुछ नहीं आती है। इसमें सिर्फ जो मुझे व्यूज़ से पैसे बने हैं वो दिखाऊंगा कि मुझे कितने व्यूज़ आए। सबसे पहले तो मैं आपको पैसे दिखाऊंगा कि मुझे कितने पैसे 365 दिन में बने हैं और कितने व्यूज़ मैंने वहां से गेन किए हैं, है ना। मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि कितने व्यूज से कितने पैसे बनते हैं, सारी चीज़ आपको पता लगेगी, है ना। और इसमें कुछ बीच में मैंने एडवर्टाइजमेंट भी लगाई थी, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि एडवर्टाइजमेंट के जो व्यूज़ होते हैं उन पे एड्स नहीं आती है तो उनका रिवेन्यू नहीं बनता, है ना। सो कल जिनका फर्स्ट कमेंट था उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इस वीडियो के बाद जाएं, पूरा सपोर्ट करें। तो एक प्यारे से इंट्रो के साथ सारी चीज़ें एज अ प्रूफ आपको शेयर करूंगा यहाँ पे, है ना, क्या सारा फंडा है। फैमिली, हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल है ना, 23,752 सब्सक्राइबर्स हैं और लास्ट 20 डेज के एनालिटिक्स $115 मुझे लास्ट इतने डेज में बने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये है सारा फंडा, रिवेन्यू सेक्शन, है ना। अबे निकल जा, ये है ना, ये है रिवेन्यू सेक्शन, ठीक है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको लाइफ टाइम का दिखाऊंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सारा फंडा है भाई साहब। तो मैं 365 दिन का दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा चैनल 2020 में नवंबर में मोनेटाइज हुआ था। तो मैं आपको लास्ट 365 दिन के दिखाऊंगा, मतलब, ठीक है। अरे ये तो सारा ऐसा ऐसे ही लग पड़ा बताने, तो मैं आपको टोटल बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से दिखाने लग पड़ा है ना। तो मैं यहाँ पे आपको टोटल दिखाता हूँ कि टोटल सारा क्या फंड। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखो यूएसए में सबसे ज़्यादा डॉलर बनते हैं, अगर यूएसए की अगर आपकी ऑडियंस है ना, तो सीपीएम यूएसए का रहता है 15, और इंडिया का बताएं, इंडिया का सीपीएम जो रहता है वो रहता है 1.62। मतलब 15 गुना ज़्यादा अमाउंट बनेगा अगर हम यूएसए या कुछ ऐसे कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं या वहाँ की हमारी ऑडियंस है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एस्टिमेटेड रहने होती है, ये देखिएगा कि ये रहा लाइफ टाइम का, है ना, ये लाइफ टाइम का $723 है। और ये 365 दिन का दिखा दूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, है ना, क्योंकि नवंबर में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 2020 में, है ना। तो $682 मुझे लास्ट, ठीक है, 365 डेज में यहाँ पे मुझे बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि $682 कितने होंगे, है ना, क्योंकि सभी भाई बंधु जानना चाहते हैं। तो $74.75 है, तो सिर्फ जो मुझे एडसेंस रिवेन्यू बना है, ठीक है, एडसेंस से, वो बने हैं 51,000 एडसेंस से बने हैं। और व्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि व्यूज़ तो पता लगना चाहिए ना यार, 51,000 बने हैं तो कितने व्यूज़ मुझे आए हैं, सारी चीज़ें आपको लगनी चाहिए यहाँ पे, पता है ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा व्यू सेक्शन आ गया यहाँ पे, तो व्यू सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कितने सारे फंडा है, क्या सारी चीज़ें, 365 दिन का ही आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो ये रहा 365 दिन का फंडा, तो 365 दिन में मुझे टोटल कितने व्यूज़ दिख रहे हैं आपको, ये 15 लाख व्यूज़ आपको दिख रहे हैं, 15,81,000 व्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एक ग्राफ में मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होंगे, है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में एडवर्टाइजमेंट लगाई थी, मतलब 3 लाख व्यूज़ मुझे एडवर्टाइजमेंट से आए थे, तो इनमें से, तो उनको अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो टोटल मुझे एवरेज, ठीक है, ये टोटल इतने हैं, मतलब 13 लाख व्यूज़ में मुझे टोटल इस पे बने हैं, कितने बने हैं, 51,000 मुझे 13 लाख व्यूज़ पे बने हैं। फैमिली, 13 लाख व्यूज़, मतलब 1.3 मिलियन व्यूज़ पे मुझे 51,000 बने हैं। और ये जो केस है सभी चैनल्स पे डिफरेंट वेरी वेरी करता है ना, अदरवाइज रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, जितना मेरा क्या सभी क्रिएटर्स की मैं बात कहूँ, है ना। जो यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है यूट्यूब क्रिएटर्स की इनकम का, स्पेशली जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट का, स्पॉन्सरशिप्स का। स्पॉन्सरशिप में क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिवेन्यू मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी ऐप है सौरभ चंदेल, हमारी वेबसाइट से भी पहले वेबसाइट भी थी, उसके ऊपर मैं कम वर्क कर रहा हूँ। तो हमारी ऐप है सौरभ चंदेल, यूट्यूब चैनल सेलिंग करते हैं, वॉच टाइम सब्सक्राइबर की सबसे बहुत सारी वो चीज़ें हैं। सिर्फ मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि यूट्यूब कितना अमाउंट देता है, जो सबके मन में सवाल होता है कि कितने पैसे देते हैं, क्या सारी चीज़ें रहते हैं ना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली होंगी, क्योंकि आप YouTube फैमिली के मेंबर हैं सभी, है ना, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सभी के सामने बनती है मैं उतने दिखाता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इतना फ़ोन, इतनी मेरी कमाई इतनी है कितने फ़ोन से, है ना, ये सिर्फ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ YouTube एडवर्टाइजमेंट जो व्यूज से आते हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं ऐसा बताऊँ कि टोटल कितना परसेंटेज है, ये नियर 5-10% है, आप समझ सकते हो,
आप इतना तो थोड़ा आता है ना, टोटल अर्निंग का 5-10% होता है जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट और बहुत ज़्यादा तरह की चीज़ें होती है ना। तो कोई भी आपके मन में सवाल है कि हाँ जी ये चीज़ मुझे पता नहीं भाई कि यूट्यूब पे कैसी होती है, कुछ भी होता है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कमेंट मस्त मज़ेदार होगा या किसी भी तरह का लल्लू पंचो कमेंट भी करोगे फिर भी मुझे अच्छा लगेगा, है ना, अप्रिशिएट करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जल्दी करें ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भगवान करे आपको भी जल्द ऐसे मौके ज़रूर मिलें कि आप अपने सपनों को, अपने फैमिली वालों के सपनों को पूरा करें, है ना। लव यू ऑल, बिलीव इन योर ड्रीम्स, पीस। Like a Hellcat.